दोस्तों नमस्कार, टीवी यून इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, पनवेल नगर महानगर पालिका के सभागृह नेता और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता परेश ठाकुर साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन रहा है अभी इतने लंबे समय तक, उसके बाद पोस्ट चैलेंजेस बहुत सारे सामने आए हैं, पनवेल महानगर पालिका में सभागृह नेता के तौर पर किस तरह से विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से आप लोग पहल कर रहे हैं? पनवेल सिटी ये मतलब अभी भी 2016 में ही ये बनी हुई है। Yes. तो इसकी पॉपुलेशन ऑन पेपर जो दिखाई देती है 5 लाख, और आज के दिन में इसकी पॉपुलेशन ये 14 लाख पकड़ी जाती है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसके लिए आज लोग जो काम कर रहे हैं पनवेल म्यूनसिपलिटी के लिए, वो सिर्फ 600 लोग और स्वच्छता कामगार ये ऐसे 1400 लोग हैं, और इसका मतलब ये 2000 लोग हुए, और यहाँ पे आज के दिन में कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो स्टाफ पैटर्न ये मंत्रालय से, मतलब ये नगर विकास मंत्रालय से ये मंजूर होके अगर ये सभी लोग यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में काम में आ जाते हैं, तो जो जो परियोजनाएँ चालू हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, वो पूरी हो सकती है। पूरा आज के दिन में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कोरोना की वजह से ये काफ़ी डिले हो गया है। Yes. और उसके साथ में काफ़ी सारी परियोजनाएं थी, मतलब आज पनवेल म्यूनसिपल एरिया में पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। तो उसका टेंडर ओपन होके फिर भी, मतलब यहाँ पे जब टेंडर अवार्ड होना था, मतलब ये मार्च महीने की बात थी, टेंडर अवार्ड होना था, और तभी कोरोना की वजह से ये काम वापस डिले हो गया है। ये जल्दी जल्दी काम पूरा करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये पनवेल में जो पानी का शॉर्टेज है वो कंप्लीट हो सके। उसके साथ में ही सिडको एरिया में भी जो पानी है, जो आज तक मतलब उसका काम पूरा होना चाहिए था, कोरोना की वजह से वो भी उसमें भी देरी आ गई। तो हमें अभी हम एक्सपेक्ट करते कि अभी हमें ये 31 दिसंबर तक इसका काम भी पूरा हो, ताकि खारघर वासी है या फिर तलोजा वासी है और कलमबुली के लोग हैं, इनको पानी का जो शॉर्टेज है वो जल्दी पूरा हो जाए। और इसके साथ में ही जो हमारे विलेजेस है, क्योंकि पनवेल म्यूनसिपल एरिया में 29 ग्राम पंचायत के एरियाज है, मतलब 68 विलेजेस है, तो यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट के काम है स्मार्ट विलेज के अंडर हमने काम चालू किए, और उसके साथ में बाकी भी इंडिविजुअल वर्क्स हमने चालू किए थे, पर ये कोरोना की वजह से काफ़ी बड़ा झटका लगा हुआ है कि डेवलपमेंट जल्दी पूरा नहीं हो रहा है। तो अभी उसको वापस हमने चालू किया हुआ है, उसके बारे में हम बार बार मीटिंग ले रहे हैं, ताकि यहाँ पे गांव में जाके फिर वहाँ पे रोड की समस्या होगी या फिर वहाँ पे गटर की समस्या होगी या पानी की समस्या होगी, ये जल्दी जल्दी वहाँ पे पूरी हो सके। और उसके साथ में ही एजुकेशन के बारे में, मतलब स्कूल जो ZP के पास है वो हैंड ओवर करके लेना, ये काम जो ZP के लेवल में अटक गया है वो जल्दी उनके पास से करवा के लेना, इस काम को भी अभी जल्दी उसको गति मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर आपने खुद ही एक जिक्र किया कि पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, नवीमुंबई महानगर पालिका के पास खुद का अपना डैम है मोरबे, इसके बावजूद भी वहाँ पर पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन उसी की तर्ज पर पनवेल महानगर पालिका ने खुद का डैम खरीदने की प्लानिंग शुरू की थी, आप लोगों ने पहल की थी, विधायक प्रशांत ठाकुर साहब ने इसके लिए बड़ी पहल की, सरकार से मांग की गई थी देहरंग डैम को महानगर पालिका को हैंडओवर करने के लिए। अभी फिलहाल क्या प्रक्रिया उसकी चल रही है, क्या अब इस डैम को खरीदने की प्रक्रिया भी रुकी हुई है, या राज्य सरकार बदलने से उसमें कोई अड़चन आ रही है, क्या जानकारी है अपने पास? नवीमुंबई ये महानगर पालिका होने का सबसे बड़ा फायदा है उनको ये हुआ कि एक डैम पूरा का पूरा खुद का करने के लिए पॉसिबिलिटी उनको मिली, और उन्होंने उसका फायदा जरूर उठाया। उसी तरीके से पनवेल महानगर पालिका भी यहाँ पे खुद का डैम हो, कोंडाना जो डैम है वो पूरा का पूरा पानी वो पनवेल म्यूनिसिपल एरिया के लिए उसको रिजर्व हो, इसके लिए हमारे विधायक जी प्रशांत ठाकुर इन्होंने कोशिश चालू की थी, और उसको सक्सेस भी अच्छा मिल रहा था। देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड किया था, और तभी ये सरकार बदलने की वजह से इसमें कुछ अड़चनी आई हुई है, पर मुझे तो लगता है कि जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा सिडको का एरिया है, और इसके साथ में ही नैना का एरिया भी पनवेल को लग के काफ़ी बड़ा है, तो राज्य सरकार इसको
जरूर एक अच्छा पॉजिटिव ऐसा रिस्पॉन्ड करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। पनवेल महानगर पालिका का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो सिडको डेवलपिंग जोन में है, और सिडको अभी भी बहुत सारी योजनाओं जो नागरी सुविधाएं हैं या यूटिलिटी प्लॉट्स हैं अभी भी हैंडओवर करने की कंडीशन में नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि पहले हैंडओवर होना चाहिए महानगर पालिका को, ताकि महानगर पालिका को राजस्व का साधन मिले और उसके साथ साथ डेडिकेटेड जो उसका विस्तार हो या विकास हो सके। सिडको की क्या भूमिका भी है, क्योंकि जब चेयरमैन खुद प्रशांत ठाकुर साहब थे उस वक्त भी इस तरह की पहल की गई थी कि महानगर पालिका को स्वतंत्र रूप से यहाँ पर राजस्व वसूलने का मौका मिले, उसको अधिकार मिले। सिडको आज सिडको एरिया है, सिडको एरिया पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के 82% एरिया ये सिडको का आता है, और सिडको से फिर टैक्स कलेक्ट करने का काम ये चालू करने का पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है। तो आज के दिन में तो वहाँ पे रोड्स जो सिडको एरिया में है या फुटपाथ है या फिर वहाँ पे पानी के लाइन्स है या बाकी सभी सर्विसेस है वो हैंडओवर करके करने के लिए सिडको इंटरेस्टेड है, पर उन्होंने जो कंडीशन मतलब जो कंडीशन में वो दे रहे हैं वो कंडीशन में हम लेना नहीं चाहते। हमारा कहना है कि आप वो एक बेहतर कंडीशन में वो सर्विस हमें आप हैंडओवर करें। अगर रास्ते हैं हम जल्दी जल्दी में हम नहीं लेने वाले हैं, आप रास्ते हम अच्छे कंडीशन में आप हमें दीजिए हम लेंगे, पानी के लाइन्स होंगे आप अच्छी कंडीशन में आप हमें दीजिए हम लेने के लिए तैयार हैं, या उसी के साथ में फुटपाथ होंगे या सीवरेज लाइन होंगे या फिर गटर होंगे, या आप अच्छी कंडीशन में दीजिए। हम सिडको कह रहे हैं कि आप आपकी बेटी है वो हंसी हंसी राजी खुशी से अच्छी तरीके से आप हमें आप विदा कीजिए हम लेंगे और हम उनको मतलब हमारे घर की रानी बनाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती हम आप मतलब ये सभी सर्विसेज हमारे आप हमें देंगे और हम लेंगे जी, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सिडको ने जब घर वो सिडको में रहने वाले आदमी को बेचा हुआ है तब उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ये नाम पे उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट उन्होंने उनके पास से लिया हुआ है, और अगर वो वहाँ पे डेवलपमेंट करके देने को तैयार नहीं है तो कैसे चलने वाला है। आज ही सिडको में उन्होंने वहाँ पे कोई मार्केट दिया हुआ नहीं है या कोई वहाँ पे कम्युनिटी हॉल दिया नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो फिर ये अमाउंट लेके सिडको क्यों बैठी हुई है। सिडको ये अमाउंट का इस्तेमाल रोड के लिए करे, ये गटर के लिए करे या सीवरेज लाइन के लिए करे, पानी के लिए करे, हम लेने के लिए तैयार है, पर जल्दी जल्दी में हम कोई सर्विस लेंगे ये तो फिर सिडको एरिया में रहने वाले लोगों पे और बाकी फिर मतलब जो पनवेल में रहने वाले लोग हैं उन पे नाइंसाफी होगी। इसके लिए ये काम जल्दी जल्दी में होने वाला तो नहीं हो सकता। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप आपने उसका चार्ज लिया है तो आपको फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड करनी चाहिए तभी हैंडओवर करने का मतलब है, अन्यथा तो महानगर पालिका के ऊपर और भी ज़्यादा राजस्व बोझ पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। सर, एक बड़ी बड़ी जो सबसे बड़ी जो अभी इस वक्त बात चल रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, नवम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर ये कहा गया था कि 2019-20 तक उड़ान होगी, लेकिन अब किन्हीं कारणों से आपके सामने देख रहे हैं लॉकडाउन है या दूसरे जो टेक्निकल कारण उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत रुका है। एक उम्मीद की गई थी इसमें तकरीबन 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार यहाँ पर मिलेगा, किस तरह की भूमिका होगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार इसको और भी स्पीडली जो इसके निर्माण की दिशा में काम कर रही है, तो किस तरह से भूमिका होगी स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ के यूथ आइकॉन हैं, लोगों की नज़र आपके तरफ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिलेगा उनको और दूसरे जो नौकरी के साधन जो उपलब्ध हो पाएंगे। एयरपोर्ट आज यहाँ पे पनवेल में जो हो रहा है तो इसका महत्व पनवेल महानगर पालिका और ओवरऑल ये सभी नवीमुंबई एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी है। तो ये एयरपोर्ट भले वो टेक्निकल रीजन की वजह से डिले हुआ हो पर फिर भी आज एयरपोर्ट के रिलेटेड जो यहाँ पे जमीन की खरीदी हो रही है या प्रॉपर्टी खरीदी हो रही है या यहाँ पे नए यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे जो नौजवान हैं वो रेडी हो इसके लिए उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं बाकायदा। यहाँ पे कॉलेजेस है, यहाँ पे ऐसे 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 जो लॉजिस्टिक के बारे में कोर्सेस है या और उसके बाद उसके साथ में ही मैनेजमेंट के रिलेटेड ऐसे कोर्सेस है ये यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी हो। इसके साथ में यहाँ पे लॉ कॉलेज का यहाँ पे फिर मतलब चलो कोर्ट पनवेल में कोर्ट आ गया है, एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पे जो बिजनेसेस नए नए आएंगे तो इसकी वजह से ये जो ये लीगल ऐसे सर्विसेज यहाँ पे काफी बड़े तौर पे बढ़ने वाले हैं, इसके लिए
फिर लॉ कॉलेजेस की संख्या यहाँ पे ज्यादा हो, इसके लिए यहाँ पे हमने कोशिश की थी, उसका फायदा भी मिला हुआ है। आज पनवेल के परिसर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस यहाँ पे आए हुए हैं। फिर वो डीवाई पाटिल का लॉ कॉलेज होगा या साहूकाना ठाकुर लॉ कॉलेज, बीसी ठाकुर लॉ कॉलेज होगा, या इस तरीके के यहाँ पे तलोजा में भी लॉ कॉलेज ऐसे काफी आए हुए हैं। और यहाँ पे इस तरीके के ट्रेनिंग के फैसिलिटीज यहाँ पे बढ़े और यहाँ पे जॉब फेयर के माध्यम से इन युवाओं को यहाँ पे रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम यहाँ पे काफी अच्छी तरह से कोशिश हम कर रहे हैं। सर, एक घन कचरा व्यवस्थापन जो पनवेल महानगर पालिका है उसकी सबसे विकट समस्या है। आज भी आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसके बावजूद भी पनवेल मनपा क्षेत्र में तमाम जगह पर सिटको के जरिए जो ये कामकाज हो रहा है वो बेहतर ढंग से नहीं हो रहा। तमाम शिकायतें हम लोगों के पास भी आती हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पर कचरा उठाया नहीं गया, व्यवस्थापन ठीक से नहीं होता, ट्रीटमेंट का तो कोई अभी तक इंतजाम ही नहीं है। क्या भूमिका है सर, किस तरह से सिडको को आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो घन कचरा व्यवस्थापन है वो साइंटिफिकल तरीके से पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में हो सके? पनवेल महानगर पालिका ये 2016 में जब से स्थापन हुई है, तो पहले तो ये सिडको का ये जो एरिया है वहाँ पे पहले तो सिडको ही सर्विस दे रही थी। तो सिडको के सर्विस के बारे में काफी सारे कंप्लेंट्स दे, फिर गणेश देशमुख साहब जब कमिश्नर हुए तो उन्होंने काफी बेहतर तरीके से उन्होंने यहाँ पे कचरे के लिए यहाँ पे सर्विस देना म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से उन्होंने प्रारंभ किया और उसको अच्छा सक्सेस मिला। और उसके बाद में फिर जब सिडको एरिया से भी उन्होंने कचरा उठाना 1 अक्टूबर 2018 से उन्होंने शुरू किया तो सिडको में भी काफी अच्छी तरह से उनको सर्विस मिलना चालू हुआ। लोगों ने काफी सैटिस्फेक्शन उन्होंने जताया कि बहुत अच्छी तरह से उठाया जा रहा है। पर एक जरूर प्रॉब्लम है इसमें कि आज सिडको का जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पे अच्छी तरह से वहाँ पे उस पर प्रक्रिया की नहीं जा रही है और इसकी वजह से पनवेल महानगर पालिका खुद का एक इस तरीके का एक प्रक्रिया केंद्र ये मतलब अभी बनाने वाला है। उसके बारे में अभी आने वाली महासभा में फिर ये सब्जेक्ट भी आने वाला है और वहाँ पे इसके लिए मान्यता ली जाएगी और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा। साइंटिफिकल जो लैंड साइट जो बनाने की तैयारी है, क्योंकि आज सिडको का जो है वहाँ पे 85% जो कचरा है वो सेग्रीगेशन के बाद में रिजेक्शन में जा रहा है। और सिर्फ 15% है वो मतलब चलो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट ये अलग अलग हो रहा है। तो आज तो यहाँ पे हमारे सुधाकर देशमुख साहब जो है हमारे कमिश्नर साहब है उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि पहला तो एट सोर्स ये ड्राई वेस्ट ड्राई गार्बेज और ट्रीट गार्बेज ये सेग्रीगेट हो और फिर वो कचरे के मतलब जो डंपिंग ग्राउंड पे जाए, इसको उन्होंने चालू किया हुआ है। फिर पनवेल हो, खारगर हो, कामोटा हो, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसका काम चालू हुआ है और मुझे यहाँ पे यकीन है कि बहुत जल्द पूरा 100% पनवेल में ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज ये एट सोर्स ही वो अलग अलग होके फिर वो डंपिंग ग्राउंड पे जाएगा। और बहुत जल्द जैसे ही पनवेल का खुद का यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड चालू होगा तो साइंटिफिक तरीके से इसका फिर डिकम्पोजिशन का काम होगा और उसकी वजह से पनवेल में किधर भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। सर, मैं जाते आते बस दो सवाल मेरे रह गए हैं। एक तो कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पनवेल अगर मनपा क्षेत्र को देखा है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। एक टाइम पर जो रेड जोन में पनवेल था, ऑरेंज जोन में आया और लगभग मुझे लगता है कि अभी ग्रीन जोन में पनवेल चल रहा है। आपको कितना अभी चैलेंज लगता है कि कब तक खत्म होगा, किस तरह की जो विशेष सावधानी बरती जा रही है पनवेल महानगर पालिका की तरफ से उसे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? पनवेल महानगर पालिका में कोरोना की वजह से 17 मार्च को लॉकडाउन किया गया तो उस टाइम हमारे विधायक जी प्रशांत दादा ठाकुर, हमारे महापौर डॉक्टर कविता चौतमन और उस वक्त के कमिश्नर गणेश देशमुख जी और उसके बाद में भी आए हुए सुधाकर देशमुख जी, इन्होंने जिस तरीके से डिसीजन लिए, लोगों को विश्वास में लिया और यहाँ पे सुविधाएं जो है वो लोगों तक पहुँचाई, उसकी वजह से यहाँ पे पनवेल में कोरोना है बहुत ही कंट्रोल में रहा हुआ है। अभी हम देखते हैं कि दिन में वो सिर्फ 50 का मतलब वो काउंट आ रहा है, 50 का भी नहीं, परसों के दिन तो इवन 45 शायद था, तो इतना कंट्रोल में रहा हुआ है। तो मुझे यकीन है कि शायद ये दिसंबर एंड तक ये काउंट है ये भी मतलब चलो 20 और 10 के नीचे भी आ जाएगा
तो इतना अच्छी तरह से कंट्रोल में आया हुआ है और लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया हुआ है। और इसकी वजह से यहाँ पे पनवेल में जो आरोग्य सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो और बेहतर हो तो मुझे यकीन है कि इसके साथ में और बाकी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर मलेरिया होगा, डेंगू होगा, उसको भी हम इसी तरीके से कंट्रोल में ला सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, दो आखिरी सवाल। पहला सवाल ये कि सिडको ने एक वादा किया था आज से 5 साल पहले कि पनवेल मनपा जो क्षेत्र है वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। आज कोरोना का दौर चल रहा है, बीच में डिमांड आप लोगों की तरफ से भी की गई थी कि डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए, खैर उस तरह का इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन क्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर कोई आपकी मांग अभी है फिलहाल? कि सिडको चूंकि यहाँ की जमीन की मालिक रही है, किसानों की जमीन यहाँ से ली गई है, हजारों एकड़ जमीन ली गई, तो क्या उसके बदले में यहाँ के पनवेल मनपा क्षेत्र के लोगों के लिए एक डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि सिडको के प्रोविजन में है? महानगर पालिका अभी उस तरह की सक्षम नहीं है कि इस तरह के डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार कर सके, तो क्या आपकी डिमांड ऐसी है कि सिडको इस तरह का हॉस्पिटल बनाए जो पनवेल और जो महानगर पालिका क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आरोग्य जो है, आरोग्य सेवा और सुविधा जो है सुलभ हो सके? हमने इसके बारे में काफ़ी पहले से हमने मांग की है कि सिडको यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे प्रोवाइड करे, और फिर सिडको ने भी यहाँ पे कलम्बुली सर्कल पे वहाँ पे वो प्रोवाइड करके देने वाले थे, और उसके बारे में अच्छी तरह से उनका काम भी चल रहा था, पर अचानक गवर्नमेंट चेंज हो गया और सिडको ने इसके बारे में जिम्मेदारी झटकनी ये चालू की। बीच में फिर कोरोना हुआ, उस टाइम फिर हमने मांग बढ़ाई और उस टाइम वापस फिर सिडको ने बोला कि हाँ हम देंगे, हम बना के देंगे, हम करके देंगे, हॉस्पिटल हम बना के देंगे। तो इस तरीके का फैसिलिटी मिले इसके लिए हमें अच्छा लगा था कि अभी सिडको देगी, पर वापस क्या पता नहीं बार बार सिडको ये कोई बीच में रुकावट डाल रहा है और उसकी वजह से सिडको यहाँ पे हॉस्पिटल दे नहीं रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है या क्या रीजन है, पर इसमें पनवेल वालों का ही नुकसान है। तो यहाँ पे हम ये सिडको के पास से ये हमारी जो मांग है वो जल्दी पूरी हो सके, इसके लिए हम जरूर कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि आपने देखा कि पनवेल महानगर पालिका के सभागृह नेता परेश ठाकुर साहब बता रहे थे, तमाम उन्होंने अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। जैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि घन कचरा व्यवस्थापन के लिए साइंटिफिक लैंड साइट जो है तैयार की जाएगी, आने वाले समय में उसके लिए महानगर पालिका में नया प्रस्ताव लाया जाएगा, महानगर पालिका इसके लिए कोशिश कर रही है। डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी आपकी एक मांग है जो आने वाले समय में इसका सपना साकार हो सकता है। जो डैम है उसको लेकर उसके खरीद की बात चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब नया साल आएगा तो निश्चित तौर पर पनवेल महानगर पालिका की ये जो अति महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं निश्चित तौर पर साकार होगी और उसका फायदा पनवेलकरों को और पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र की जनता को जरूर मिलेगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।